स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें होंगे दोस्तों जीके के कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि सेट 2 का भाग होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर, तो वो है देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है, तो वो है अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ह्रासमान दर पर सीमांत प्रतिफल बढ़ जाता है तो कुल प्रतिफल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है, तो वो है नर्मदा। अगला है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो संगम वंश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, तो वारन हेस्टिंग था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है, तो वो है गरबा। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, वो है मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए, तो वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक एक अंग है बौद्ध साहित्य का। तो अगला है क्वेश्चन, HTML में टैग किससे परिबद्ध कुंजी शब्दों के बन जाते हैं, तो कोणीय कोष्टक, एक तो है लेस देन और दूसरा है ग्रेटर देन, एक ही में हम लोग कर देंगे तो इससे बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है, तो वो है दंतुर तट। अगला है, छो मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि भाई यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वे नियमित हवाएं जो कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा के उपनाम से जानी जाती हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की हवाएं, तो वो हैं पछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां, ये अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगे, तो पर्णपाती वृक्ष जो होते हैं अपनी हर वर्ष पत्तियां गिरा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया, तो वो पापा में प्राप्त किया था। क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है, तो रिहंद नदी पर बना है। अगला है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत के रूप में नियुक्त किया गया, तो जान पियरे को शांति दूत के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वीर पुरुष में कौन सा समास है, तो वो है तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। अगला, जंप बॉल किस खेल से संबंधित है, तो वो है बास्केटबॉल। अगला है क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो सर BN राव। अगला है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था, तो वो है मोरारजी देसाई सरकार, मीन्स मोरारजी देसाई सरकार के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, वो है कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जानते हैं, तो पूर्वा मानसून के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाना किस तापक्रम पर समान होते हैं, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान होते हैं। अगला है, वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है सूर्य से विकिरण द्वारा, मतलब जो सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर वो विकृत हो जाती हैं, उसके द्वारा हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। क्वेश्चन है दोस्तों, जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं, तो वो है क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो प्रिस्टले ने की थी ऑक्सीजन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है, तो वो है ब्रोमीन। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। अगला है, जीजी विशा का अर्थ है, मतलब जीवन की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो सिपाही है नहीं, योद्धा है नहीं, घुड़सवार है नहीं, तो योद्धा तत्सम शब्द है। क्वेश्चन है दोस्तों, अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो वो है दक्षिणी गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है, तो धोखे में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, तो वो राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती, तो वो है व्यावसायिक कर। अगला है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोधगया में प्राप्त हुआ था। अगला है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था, वो है जिला प्रशासक। क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्तकाल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे, तो रुपयक कहते थे हम लोग।
भारत में एयरो इंडिया 2017 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो वो है बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में 16 फरवरी 2017 को 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसके साथ ही न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? तो 28। अगला है, ईके पलानी स्वामी ने 16 फरवरी 2017 को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो वो है तमिलनाडु। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में किसे कनाडा में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो वो है विकास स्वरूप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किस हिंदी लेखक को उनके उपन्यास काटना समी का वृक्ष पदम पंखुरी की धार से के लिए व्यास सम्मान 2016 हेतु चयनित किया गया? तो वो है सुरेंद्र वर्मा। क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शीतकाल और ग्रीष्मकाल में कैसी वर्षा होती है? तो होती है बी और सी। बी कौन सी? चक्रवाती भी होती है और संभावनीय भी होती है। अगला है, राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने 14 फरवरी 2017 को दोंजा गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया। तो यह गांव कहां पर स्थित है? तो उस्मानाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया? तो सैमुअल कार्टर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैजिक सीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी एस नायपाल। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 16 फरवरी 2017 को जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 143वां। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 2005 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को BWF विश्व रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो वो है 5वां। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से संबंधित है? तो 1/4 से। तो पहला है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, इससे संबंधित है, और चौथा हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इससे संबंधित है। अगला है, हाल ही में किस देश की वायुसेना ने JF-17 थंडर जेट्स विमान को शामिल किया गया? तो वो है पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की। क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा ने 20 फरवरी 2017 को आधार विधेयक 2017 पारित किया? तो वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को की टीम को हराकर ICC महिला विश्व कप क्वालिफायर 2017 का जीता खिताब जीता? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने नहीं लिखी थी? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ये नहीं लिखी थी, और सबरी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? तो वो है पूंजीवाद। अगला है क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो वो है स्टॉकहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में निकिस का विकास करना था? ए और बी दोनों, मतलब कृषि का भी। और अगला है अवसंरचनात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जालान। क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने कैशलेस भुगतान को प्रोत्साहन देने हेतु 21 फरवरी 2017 को किस कोड का शुभारंभ किया? तो वो है भारत QR कोड। अगला है, NREGP किसका संक्षिप्त रूप है? तो वो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। अगला है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी फरवरी 2017 में बैरन द्वीप में सक्रिय हुआ है? तो बैरन द्वीप किस देश किस राज्य में स्थित है? वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नो फुल्ड स्टॉक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्क टूली है। अगला है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान को साफ सफाई के मामले में उच्च स्तर बनाए रखने हेतु कायाकल्प पुरस्कार 2016-17 प्रथम श्रेणी में प्रदान किया गया? तो वो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS नई दिल्ली। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिक्किम उदय योजना में शामिल होने वाला कौन सा राज्य बना? तो 22वां। अगला है, G20 देशों में भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगा और यह वर्ष 2017 में 7.1% की वृद्धि दर्ज करेगा, यह अनुमान किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का है? तो वो है मूडीज। अगला है, अर्थशास्त्र के लिए सबसे कम RU में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया? तो वो है केनेथ जे एरो। अगला है, निम्नलिखित पूर्व थल सेनाध्यक्षों में 2 बार महावीर चक्र किसे मिला था? तो जनरल AS बैद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ लिया गया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या सम्मेलन में भी नहीं लिया गया, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में भी नहीं लिया गया, कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में भी नहीं लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 5700 करोड़ रुपए दिए? तो वो नेपाल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? तो वो है बिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, तो वो है मनोरंजन का कर। अगला, जर्मनी की जियोमार हेमोल्ट्स सेंटर फॉर ओशियन रिसर्च जियोमार द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार समुद्र में वर्ष 1960 की तुलना में अब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी कम हो गई? 2 गुना। अगला है, 89वें ऑस्कर पुरस्कार 2017 में किस फिल्म की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो वो है मूनलाइट। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, जरूर करें। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन के साथ।